हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभिषेक अगेन। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मोज़िला में आप कैसे जावा इन्वायरमेंट वापस इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि जावा ने अपना जो NPAPI सपोर्ट है वो बंद कर दिया है। फायरफॉक्स 52 वर्जन से 64 बिट में उसने पहले से ही इसको बंद किया हुआ था, जो कि अभी 52 वर्जन 52 बिट में भी उसने उसका सपोर्ट बंद कर दिया है, जिससे कारण कि जावा जो है, जावा एप्लेट, वो उसका सपोर्ट आप नए वर्जन में नहीं ले सकते, और जिससे कारण EKYC और बाकी कई सर्विस जो हैं जावा इनेबल्ड वो करने में दिक्कतें आ रही हैं। उसको कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। अगर आपको भी जावा स्क्रिप्ट बेस्ड कोई प्रॉब्लम है, जावा इनेबल नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका वर्जन क्या है। वर्जन चेक करने के लिए मोज़िला फायरफॉक्स में टैब में चले जाइए, जिसमें कि आपका हेल्प मेन्यू है उसको क्लिक कर लीजिए और अबाउट फायरफॉक्स पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको आपका वर्जन बता देता है। अगर आपका वर्जन 52 है और 32 बिट का है, तो इसमें जावा नहीं सपोर्ट करेगा 52 के बाद से। उसके लिए आपको पुराना वर्जन फायरफॉक्स का इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसको आप सबसे पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। साथ ही साथ आपको जावा अगर आपके में इंस्टॉल नहीं है, तो जावा इन्वायरमेंट के लिए जावा का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, चाहे वो 64 बिट आप डालना चाहे हो चाहे 32 बिट डालना चाहे हो, दोनों का लिंक दिया हुआ है। दोनों में से जो भी है आप इंस्टॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद को इसका अपडेशन बंद करना पड़ेगा, जिसके लिए आप ऑप्शन में चले जाइए, ऑप्शन में एडवांस में चले जाइए और अपडेट को आप नेवर चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि आपके में जावा इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं है 51 वर्जन डालने के बाद, आप एडवांस पे क्लिक कर लीजिए। एडवांस पे क्लिक करने के बाद अगर आपका जावा प्लेटफॉर्म इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर आपको शो करेगा और ये देख लीजिए ऑलवेज एक्टिव पे क्लिक रहे। साथ ही में जावा डिप्लॉयमेंट क्योंकि भी इनेबल होना चाहिए, ताकि आप जावा एप्लेट रन कर सकें, तो ये दोनों चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जावा इंस्टॉल करने के बाद सेटिंग क्या क्या आपको करनी पड़ती है, जिससे कि आपको EKYC करते समय, EKYC का यूज़ करते समय कोई दिक्कतें ना आए। EKYC के लिए जावा का जो सेटिंग है, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले आप जावा लिख लीजिए, जावा में कॉन्फ़िगर जावा को ओपन कर लीजिए। कॉन्फ़िगर जावा होने के बाद सिक्योरिटी में आप इसको हाई रहन दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ आपको करनी पड़ती है कि आपको ऑथेंटिकेशन csc.omega.in को एक्सेप्शन लिस्ट में डालना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए, तो आप इसे सिंपली यहां से कॉपी कर सकते हैं, जो कि आप आधार EKYC प्रिंट पे जाके आप यहां से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आके यहां एड में जाके पेस्ट कर लीजिए। KYC प्रिंट आप हटा दीजिए इसमें से और इसको ओके कर लीजिए। इससे क्या है कि आपका जो भी सिक्योरिटी है वो इस साइट पे वर्क नहीं करेगा, जिससे कि आपको EKYC करते समय कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। साथ ही साथ जावा कॉन्सोल को आप शो कॉन्सोल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपका जावा चालू हुआ है कि नहीं हुआ है और क्या क्या प्रोसेस कहाँ तक इनिशलाइज हुआ है, वो आपको शो होता रहेगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपका TLS जितने भी वर्जन है उसको क्लिक करे रहिए और बाकी सेटिंग को एज इट इज रहन दीजिए। हाँ, एक और चीज़, मोज़िला फैमिली यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्लिक है, अगर आपने अनटिक किया हुआ है तो उसे वापस टिक कर लीजिए और ओके पे क्लिक कर लीजिए। बस यहाँ पर अब आप आधार कार्ड नंबर डालिए किसी का भी, फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर लीजिए, उसे कर लीजिए।
यही आपका कंसोल है जिसमें आपका जावा जब जैसे ही एप्लेट चालू होता है तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन देने लगता है। अगर यहाँ पे आके आपका हैंग हो जाता है केवाईसी के समय तो आप कुछ नहीं एल्टर प्लस नेविगेशन का बैक की आप दबा सकते हैं जिससे कि ये पेज वापस रिफ्रेश हो जाएगा, वापस आपका कंसोल आ गया और आपका यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेना है, ऑथेंटिकेशन होते ही नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपका जहाँ पर आपको केवाईसी स्टेटस सक्सेस दिखा देगा और आपको पे पे क्लिक करना है। आपका न्यू जो सीएससी कनेक्ट का पासवर्ड है जो आप लॉगिन में डालते हैं वापस डालना है और वैलिडेट करना है। अब यहाँ पर आपको आपका वॉलेट पासवर्ड डालना है और पे पे क्लिक करना है जिससे कि आपका फाइनल पेज आ जाएगा। इसको अभी हम कैंसिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप ई के वाई सी में जो प्रॉब्लम आ रही है सीएससी में उसको आप इस प्रकार सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी जो नए नए सॉफ्टवेयर के बारे में या जो भी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही है उससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस मैं अगर डालना चाहूँगा पोस्ट करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। लाइक करते रहिए, कमेंट अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट में आप अपना कमेंट लिख के मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं जिसके लिए मैं जैसे ही अवेलेबल हूँगा मैं उसका सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस।